रही है। दिल्ली से जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा से अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर चर्चा हुई है, ये बताया जा रहा है। हरियाणा में अकाली को सिर्फ 2 सीट देना चाहती है बीजेपी, ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी छन कर आ रही है। इससे पहले INLD के साथ अकाली दल विधानसभा चुनाव में लड़ता रहा है गठबंधन में, लेकिन इस बार अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है सीट को लेकर। शायद जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दोनों का गठबंधन केंद्र में है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हमेशा होता रहा है, ऐसा भी नहीं है, तो क्या इस बार हो जाएगा? लेकिन पर अगर बात की जाए तो अकाली दल की तरफ से इस बात को स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार से वो 25 से 30 सीटों पर प्रभावी हैं। इसी के साथ साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी अकाली दल की तरफ से कर दिया गया था, लेकिन इसी बीच ये जानकारी मिल रही है, जिस प्रकार से हमने भी देखा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यहां मुलाकात की गई है सुखबीर बादल की तरफ से, जो कि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस पूरी मुलाकात में ये माना जा रहा है कि 2 सीटों को लेकर के जो भाजपा है वो इस बात पर राजी है कि अकाली दल को चुनाव लड़वाया जाए, गठबंधन यहाँ पर किया जाए। क्योंकि चाहे पंजाब की बात की जाए, केंद्र की बात की जाए, अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ा रहा है, गठबंधन में चुनाव लड़ता आया है, और ऐसी स्थिति में अकाली दल का जो वोटर है, खासतौर से ऐसी सीटें जो पंजाब से लगती हुई हैं या फिर जहां जो वोटर है वो अकाली दल के मार्फत कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है, उस स्थिति को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया है कि 2 सीटों पर गठबंधन किया जाए, ताकि किसी प्रकार की हानि जो है वो वोट बंटने को लेकर के ना देखने के लिए मिले। क्योंकि अकाली दल अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ता है तो ऐसी स्थिति में नुकसान सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि अकाली दल का वोटर भी भाजपा का वोटर ही माना जाता है, अमूमन हरियाणा की खासतौर से हम बात करें तो, और अलग वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसी स्थिति में 2 सीटें दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ा रहे। अकाली दल की तरफ से क्या कोई मांग रखी गई है? अभी तक कुछ खबरें निकल कर आ पाई कि वो कितनी सीट चाहते हैं? देखिए, अकाली दल ने जैसा कि मैंने आपको बताया 25 से 30 सीटों पर प्रभावी होने की बात यहां पर की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की मजबूत स्थिति में आज अपने आप को प्रदेश में समझती है, ऐसी स्थिति में इतनी सीटें जो है पर सहमति नहीं बन पा रही है, केवल 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी अकाली दल को दे सकती है। अब देखना यह होगा कि अकाली दल इन 2 सीटों पर गठबंधन के लिए राजी होता है या नहीं। हालांकि सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि अगर जिस प्रकार की ये मुलाकात अभी कुछ देर पहले हुई है, इस मुलाकात में यदि सहमति बनती है तो स्थिति यह भी हो सकती है कि 88-2 के समीकरण पर यह गठबंधन हरियाणा में हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर बादल की तरफ से भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की गई। करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात में हरियाणा में अकाली दल और भाजपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। एक तरफ अकाली दल ये मानता है कि 2530 सीटों पर अकाली दल का वोटर प्रभावी है और वह जिताऊ कैंडिडेट के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर ही अकाली दल को चुनाव लड़वाना चाहती है। ऐसी स्थिति में हालांकि यह अभी पूरे तरीके से फाइनल नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पर सहमति बनी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 सीटों पर अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हरियाणा में हो सकता है। दिल्ली से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, हरियाणा न्यूज।